श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद जरूरी हैं। कैसे कुछ उपाय करके आप अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं, जानिए। श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है, और जो भी व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट कर देता है, उसे पितरों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। नियमित रूप में नित्य स्नानादि कर्म करके पूजा से निवृत्त होने के बाद पूर्व दिशा में सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त तिल तर्पण अवश्य करें। नित्य घर में पंच बलि निकालें। पांच कटोरे में घर में जो खाद्य पदार्थ सात्विक भोजन बनते हैं उन्हें पांच गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटियों को, यम पितृलोक के लिए ये पंच बलि निकालना कहते हैं। ये नियमित रूप से निकाले, इच्छुक व्यक्तियों की सहायता करें, जिन्हें जो निर्धन हैं, जो लाचार हैं, साधु संत की सेवा करें, इससे पितरों अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृ पक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृ दोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो अब जानिए वो विशेष उपाय जो पितृ पक्ष के दौरान आपके पितरों की कृपा दिलवा सकता है। पितृ पक्ष में नियमित रूप से क्या करें? दोपहर में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, किसी निर्धन को रोज भोजन कराएं, रोज सामर्थ्य अनुसार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, अमावस्या के दिन दान जरूर करें। तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में पितृ पक्ष की अद्भुत महिमा बताई गई है, साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र है। इसलिए श्राद्ध करना जहां बेहद अहम और आवश्यक कर्म है, वहीं इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां भी बेहद जरूरी हो जाती हैं। पितृ पक्ष में किए गए ये उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं।